सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। जो हमारा टॉपिक मैक्स वेबर का जो कंटिन्यू है, जिसमें मैं आपको ब्यूरोक्रेसी करा रहा हूँ, नौकरशाही। तो दोस्तों बेसिकली यदि आप ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहते हैं तो एक बात जो मैक्स वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आइडियल टाइप का मतलब क्या होता है, आदर्श प्रारूप का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझ सकते। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है कि ब्यूरोक्रेसी जो आइडियल टाइप मैक्स वेबर ने मानी है, आज की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस पैमाने पर कितनी खरी उतरती है, और ब्यूरोक्रेसी में क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं, वो भी हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये बहुत ही लेंथी है, बड़ा है, इंटरेस्टिंग भी है। मतलब लेंथी का मतलब ये नहीं कि बोरिंग है, आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली बात है कि आप ब्यूरोक्रेट बनने मतलब एक नौकरशाह के रूप में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक सिविल सेवक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को समझना तो फिर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम ये समझें कि बेसिकली आइडियल टाइप जिसे वो कहता है मैक्स वेबर, वो उसका मतलब क्या है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ पहले भी कि मैक्स वेबर जो हैं वो मूलतः एक समाजशास्त्री हैं, एक मतलब एक लोक प्रशासक में जो जिस सिद्धांत को हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बेसिकली एक सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो एक समाजशास्त्री के रूप में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को समझाने की कोशिश की है कि ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता क्यों क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ब्यूरोक्रेसी का हम निर्माण करते हैं। तो एक तरीके का ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वेबर की, जो शोध प्रवृत्ति है वो जो उन्होंने अपनाई है वो है आइडियल टाइप। और उसका सबसे पहले उपयोग जो है सीमर और डेल्थी ने किया था। खुद मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप शब्द का प्रयोग 1904 में किया। अब बात उठती है कि आइडियल टाइप का मतलब क्या है, है ना। तो सवाल उठता है कि आइडियल क्या है और टाइप क्या है, यानी आदर्श क्या है, प्रारूप क्या है। पहले तो दोनों का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। पहले हम दोनों का रियल मतलब जानेंगे कि वास्तविक मतलब क्या है दोनों का। तो आइडियल का जो एक कॉमन अर्थ हम लगाते हैं कि पूर्णता को प्राप्त यदि कोई चीज़ है, यानी कि अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जब कोई चीज़ है तो उसे हम आइडियल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम जैसे भगवान राम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तो भगवान राम जो है वो आइडियल हैं, ठीक है। वो एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पुत्र हैं, ठीक है, एक अच्छे मतलब हर रूप में वो आइडियल हैं। तो आइडियल का मतलब होता है कि पूर्णता को प्राप्त किया हुआ कोई भी चीज़ है ना, जिसको हम एक कह सकते हैं कि भाई ये आइडियल है, ओके। टाइप क्या है, प्रारूप जिसे आप कहते हैं हिंदी में। तो टाइप का अर्थ होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के आधार पर जो सिर्फ उसी में पाई जाती हैं, उसे हम जब दूसरी चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अंतर करते हैं, तो उसे हम टाइप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, शेर जो है वो बिल्ली समुदाय का ही है। मतलब अब देखिए, बिल्ली हमारे घरों में पाई जाती है, छोटी होती है, शेर ऑब्वियसली बात है आप जानते हैं, लेकिन हमने उसको उस कैटेगरी में डाला। क्यों डाला? क्योंकि जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ बिल्ली के अंदर होती हैं वो टाइगर के अंदर भी हैं, ओके। तो टाइप बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी जो एक मतलब एक विशेष चीज़ों में पाई जाए और उन चीज़ों को हम दूसरी चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट कर सकें, वो टाइप कहलाती हैं। आप हर तरीके के इंसानों को देखते होंगे, ठीक है, उनके भी टाइप अलग अलग होते हैं। तो और एक जैसी विशेषता वाले लोगों को हम एक जगह कैटेगराइज भी कर देते हैं कि भाई ये जो है भले लोग हैं, है ना, ये दानी हैं, या ये जो है मतलब आपराधिक किस्म के लोग हैं।
तो हमने उस किसी व्यक्ति को जो हम आपराधिक किस्म में रखते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के आधार पर रखते हैं कि भाई ये क्वालिटी मतलब या डिसक्वालिटी जिस व्यक्ति में होंगी ये इस टाइप का होगा। तो आइडियल टाइप का मतलब हुआ कि अपनी पूर्णता को प्राप्त किया हुआ, अप टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पाया प्राप्त किया हुआ जो है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या व्यक्ति, वो हम कहते हैं उसको आइडियल टाइप। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या आइडियल टाइप का यहाँ पर मतलब आइडियल शब्द से है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यहाँ जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो चीज़ों को समझना सीखिए। हमने ये नहीं कि एक बार में आपको पढ़ा दिया आपने समझ लिया, चीज़ों को समझने के मतलब आदत डालिए कि भाई आइडियल टाइप का मतलब क्या है, क्या वाकई ये आइडियल है। ठीक है, ये सारे सवाल आपके जहन में उठने चाहिए। नहीं उठते तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जहन में सवाल उठें, और उठते हैं तो आपके सवालों के हर सवाल का जवाब आपको मिले। और मैंने आपको लिखा भी है, आइडियल टाइप का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, और उनको हम जब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज को हम इकट्ठा कर दिए कि ये क्वालिटीज जिसमें होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। आप एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे मिलिट्री है, सेना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग है, वहाँ की क्वालिटीज़ अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीचिंग है, वहाँ की क्वालिटी अलग है। अब आप देखेंगे जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मिलिट्री में मिलते हैं, लेकिन आप टीचिंग जॉब में जाते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड उस तरीके के नहीं होते कि भाई आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के आधार पर बनाया जाता है, और वो अदर ऑर्गेनाइजेशन से डिस्क्रिमिनेट करता है, अंतर करता है, विभेद करता है। अब सवाल उठता है कि क्या आइडियल शब्द जो हमने यूज़ किया उसका वैल्यूज़ से कोई संबंध है कि भाई ये वैल्यूज़ जिसके अंदर होंगी वो हम उसको कहेंगे आइडियल है। तो मैं आपको आपको एक एक चीज़ क्लियर करता चल रहा हूँ कि आइडियल हमने जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है उसका आइडियल शब्द से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, आइडियल टाइप शब्द इस्तेमाल कर देने भर से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि यहाँ आइडियल शब्द का मतलब जो प्रॉपर जो मैं आइडियल अब तक एक्सप्लेन कर रहा था वो आप लेंगे। केवल एक नाम उसने भर दिया है कि हम यहाँ यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हमें एक्सप्लेन करना होता है तो वास्तविक जीवन से जो एक्चुअल में हो रही है हमारे आसपास उसमें से विचार करके कुछ हम तथ्यों को चयनित करते हैं कि भाई ये चीज़ें इसमें अंदर होनी चाहिए, तो हम उसका एक पैमाना बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड के आधार पर हम जो है किसी भी स्ट्रक्चर को समझने की जब कोशिश करते हैं तो उसे आइडियल टाइप कहते हैं। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि आइडियल टाइप में कोई भी व्यक्ति कुछ पैमाने तय करता है, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उस पैमाने में वो क्या-क्या चीजें इंक्लूड करेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? देखिए, जैसे मैं हूं, अब मेरी नज़र में कोई व्यक्ति अच्छा होगा तो ये पैमाने उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है। दूसरे व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके पैमाने अपने अलग-अलग हैं। समझ रहे ना? तो हर व्यक्ति के किसी भी दूसरे व्यक्ति को जब वो मापता है, कैलकुलेट करता है अच्छे या बुरे इंसान के रूप में या किसी भी तरीके के इंसान के रूप में, तो उसके अपने पैमाने होते हैं, अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपने फैक्ट्स होते हैं कि भाई ये क्वालिटी यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो उसकी नज़र में एक अच्छा व्यक्ति है। और ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो और दूसरे को फूटी आंख ना भा रहा हो, क्योंकि वो उसके पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा। समझ रहे ना मेरी बात को? तो हर व्यक्ति के पैमाने जो हैं वो अलग अलग हैं। यही बात मैक्स वेबर कहता है कि आइडियल टाइप बेसिकली क्या है कि जो कुछ भी हमारे वास्तविक जीवन में हो रहा है
हम उनमें से कुछ फैक्ट्स को चुनते हैं और उसका पैमाना बना लेते हैं कि भाई यदि ये क्वालिटीज़ हैं तो फिर हम इसको एक मतलब हम उसको आइडियल टाइप कहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ आइडियल टाइप का मतलब आइडियल होने से नहीं है, ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या सवाल उठता है जो आपके जहन में उठ रहा होगा कि फिर तो हर व्यक्ति का आइडियल टाइप अलग अलग होगा, फिर तो हर व्यक्ति के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी व्यक्ति को, मैं चूँकि हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा यहाँ फोकस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैं रियल लाइफ में व्यक्ति की भी बात करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज से भी जुड़े होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो हम मतलब आइडियल टाइप के पैमाने हमने हमने सोचा, जैसे ब्यूरोक्रेसी के उसने एक आइडियल टाइप के रूप में जब संकल्पना की तो उसने क्या माना, कौन कौन से पैमाने रखे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली आइडियल टाइप का मतलब क्या है। तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर करता चलूँ आपको कि आइडियल शब्द का मतलब आइडियल होने से बिल्कुल नहीं है, वैल्यूज से बिल्कुल नहीं है, ठीक है, श्रेष्ठता से बिल्कुल नहीं है कि भाई वो श्रेष्ठ ही होगा। ओके, तो आइडियल शब्द का आइडियल पर्टिकुलर आइडियल वर्ड से, वैल्यूज से, ठीक है, और एक्सीलेंसी से कोई मतलब नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि हम किसी विचारधारा, किसी आइडियल थॉट का हम जो है वो अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इससे भी नहीं है। हम किसी विचारधारा का, किसी विचार का, किसी अनुमान का, किसी पद्धति का, जिस जो जो हम आइडियल कहते हैं जिसको, उसको फॉलो करने से भी नहीं है। ये चीज़ें क्लियर करते चलिए एकदम। और इसका कोई उद्देश्य नैतिक आदर्शों का पाठ पढ़ाना या उसका ज्ञान कराना बिल्कुल नहीं है। ये भी समझ लीजिए कि जब हम आइडियल टाइप बनाते हैं तो हमारा कोई उद्देश्य किसी को ये बताना नहीं होता कि जो हमने बनाया है आइडियल टाइप यही आइडियल है और ये नैतिक है, नैतिक आदर्श है, इसको मानिए, इसको इसको फॉलो करिए, बिल्कुल नहीं है। इसका नैतिक आदर्शों का जो हम बीजारोपण कह लीजिए या कुछ भी उसका पाठ पढ़ाना कह लीजिए, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। अब सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई फिर इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका यूज़ क्या है, हम क्यों आइडियल टाइप बना रहे हैं। तो इसका एम सिर्फ इतना है कि एक मेथोडोलॉजी के रूप में, एक शोध के साधन के रूप में, ठीक है, हम इसका प्रयोग करते हैं आइडियल टाइप का, और इसके माध्यम से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसलिए उसने कंपैरिजन किया है, ये बात ठीक है। कई लोग उसकी आलोचना करते हैं कि मैक्स वेबर ने कहा कि जब भी कोई एक देश जब ब्यूरोक्रेसी से शासित हो जाता है तो वो किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करता, यानी कि अपने आप में ब्यूरोक्रेसी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जब वो ये कहता है कि एक बार यदि कोई भी देश शासित हो गया ब्यूरोक्रेसी से, किसी भी देश में ब्यूरोक्रेसी आ गई, तो फिर वो किसी अन्य सब्स्टिट्यूट के बारे में या किसी अन्य विकल्प के बारे में नहीं सोचेगा, वो स्थायी हो जाएगा, यानी कि वो उसकी श्रेष्ठता को आरोपित करता है। तो क्या वाकई उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसे हम कह रहे हैं कि इसका श्रेष्ठता से कोई संबंध नहीं है, तो क्या जब वो कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी से जब कोई देश शासित हो जाता है तो किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करता, यानी कि क्या उसने सर्वश्रेष्ठ मॉडल दिया है? नहीं, उसका सर्वश्रेष्ठ होने से मतलब नहीं था, उसने कंपैरिजन किया है, ठीक है ना, किससे, परंपरागत जो अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है, ठीक है, करिश्माई जो करिश्मेटिक अथॉरिटी है, और जो उसकी तार्किक विधिक जो प्राधिकार है, ठीक है, जिसे वो ब्यूरोक्रेसी कहता है उसकी। तो उसने तीनों का कंपैरिजन किया है बेसिकली, और जो परंपरागत प्राधिकार है और जो करिश्माई प्राधिकार है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ है, उन दोनों की तुलना में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेस्ट है। यानी कि उसने ब्यूरोक्रेसी को खड़ा किया, तैयार किया, बनाया उन दोनों के कंपैरिजन में कि इन दोनों से ये बेटर है। लेकिन उसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी इज द बेस्ट, इज द आइडियल, कि वो सर्वश्रेष्ठ है,
इससे अच्छा कुछ नहीं है कि ये आइडियल है, बिल्कुल नहीं। ये बात स्वयं मैक्स वेबर ने स्वीकार की है। क्या? कि वो कहता है कि आवश्यक नहीं कि ब्यूरोक्रेसी जिस रूप में या जो पैमाने जो उसने लिए हैं, जो तथ्य उसने एकत्र किए कि भाई ये क्वालिटी किसी ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए, वो किसी देश में पाया ही जाए। हो सकता है किसी देश में हो, किसी में ना हो, पूरे विश्व में वो कहीं पाई जाए या नहीं पाई जाए संभावना है। यानी कि वो इस बात के लिए मतलब दृढ़ नहीं है, ठीक है, कठोर नहीं है कि नहीं भाई ऐसी ही ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। वो केवल उसने अपने पैमाने लिए हैं कुछ कि भाई ये क्वालिटीज एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर होने चाहिए, तो जो है वो एक आइडियल टाइप होगा। तो एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई आपके दिमाग में कि आइडियल टाइप का मतलब क्या है। आइडियल टाइप का सबसे पहला मतलब ये है कि इसका आइडियल होने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आइडियल टाइप एक तरीके का मॉडल है, ठीक है, एक हमने मॉडल ले लिया और मॉडल के अंदर कुछ पॉइंट्स ले लिए कि भाई ये क्वालिटी ये क्वालिटी ये क्वालिटी ये क्वालिटी ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर ये उसका एक आइडियल टाइप है, ठीक है ना। तो बस बाकी उसका सर्वश्रेष्ठ होने से, नैतिक होने से, आदर्श होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक उसने लिखा भी वास्तविक जीवन में जरूरी, वास्तविक विश्व में पाई जाए जरूरी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी में कही हैं, कुछ तो लगभग सभी संगठनों में पाई जाती हैं। जैसे मतलब नियम, भाई हर हर संगठन में कुछ ना कुछ नियम होते हैं। कुछ चीज़ें आंशिक पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कहीं वेतन दिया जाता है तो हो सकता है कहीं उसके बदले कुछ और आपको दिया जाए। कुछ बिल्कुल नहीं पाई जाती कुछ क्वालिटी, जैसे वो कहता है कि कि व्यक्ति को जो है वो मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जबकि जबकि इंसान जो है कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। वो ये कहता है कि जब भी एक ब्यूरोक्रेट जब भी एक नौकरशाह निर्णय लेगा तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब वो केवल वस्तु को ध्यान में रखेगा, व्यक्ति से उसका कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति से उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसलिए जो उसका आइडियल टाइप है मैक्स वेबर का, मैं फिर कह रहा हूँ उसका आइडियल होने से कोई संबंध नहीं है। बेसिकली वो उसने क्या देखा कि जब तक कोई संगठन छोटा है, मान लो 5-6 लोग हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप पर्टिकुलरली किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, दान करते हैं या उसे पढ़ाते हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड आप उसकी किसी की किसी तरह से मदद करते हैं, तो ठीक है, एक या दो या पाँच या छः लोगों तक आप 10 लोगों तक मदद कर सकते हैं इंडिविजुअली। लेकिन आपने संकल्प किया कि मैं हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है, वंचित लोगों को मैं जो है पढ़ाऊँगा या कुछ मतलब कुछ अच्छा काम करूँगा, तो अकेले नहीं कर सकते, फिर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास है। अब जब संख्या बढ़ जाती है कि भाई अब तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या आता है, श्रम विभाजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कि भाई आप ये करोगे ये करोगे आप ये करोगे, ओके। इसके अलावा आपको कुछ नियमों को फॉलो करना होगा, कुछ आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जो लोग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो उनका आप मतलब उनकी भर्ती करोगे, योग्यता के आधार पर चयन करोगे, प्रशिक्षण वगैरह ट्रेनिंग वगैरह दोगे। उसके बाद आप उनको जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, आपने लोगों का चयन कर लिया, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आपको सैलरी देनी है उनको, तो आप उनको सैलरी भी दोगे। तो ये मतलब जब वो ब्यूरोक्रेसी का निर्माण कर रहा है तो वो बताता चल रहा है कि भाई एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए कि भाई श्रम विभाजन होना चाहिए, मौद्रिक वेतन होना चाहिए, नियम होने चाहिए। फिर सब कुछ हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चलता रहे, किसी तरीके की गड़बड़ झाला ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन भी हो, कंट्रोल भी हो,
क्योंकि यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जिस एम से बनाया गया था वो तो ध्वस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अनुशासनहीनता से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगा पूरी तरीके से, तो डिसिप्लिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने ये बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए, समझ रहे ना, श्रम विभाजन होना चाहिए, ठीक है, हम जो जिन कार्मिकों को चयन करें उनको योग्यता के आधार पर चयन करें, इसके अलावा मौद्रिक वेतन दें, ठीक है, कार्यकाल की स्थिरता हो, इसके अलावा जो है अनुशासन हो, नियम हो, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तब उसने उस ब्यूरोक्रेसी को का एक आइडियल टाइप दिया है। तो ये एक आइडियल टाइप है जो पैमाने उसने दिए हैं, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि उसके आइडियल टाइप में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने ब्यूरोक्रेसी से आशाएं की हैं कि भाई एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आखिर मैक्स वेबर का आइडियल टाइप क्या है ब्यूरोक्रेसी का, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैंने आज की इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि आइडियल टाइप का मतलब क्या है, आइडियल टाइप का क्या कहीं कोई दूर दूर तक इसका मतलब आइडियल होने से है, और क्या एक ही आइडियल टाइप हो सकता है, नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना आइडियल टाइप हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को जब वो कंपैरिजन कर रहा है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आइडियल टाइप का जो जो यूज़ है वो केवल कंपैरिजन या क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, ना कि किसी घटना का निरपेक्ष वर्णन करने के लिए। निरपेक्ष मतलब विदाउट कंपैरिजन, ठीक है, हम कहीं ना कहीं इस आइडियल टाइप का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए करते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए कुछ पैमाने चुनते हैं, कुछ मानक चुनते हैं, कुछ फैक्ट्स चुनते हैं, और उन फैक्ट्स के आधार पर हम जो है एक आइडियल टाइप का निर्माण करते हैं, और हर व्यक्ति का ये अलग अलग हो सकता है। अब चूंकि ब्यूरोक्रेसी और वेबर एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं, और जब भी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो हम वेबर को कभी नहीं भूल सकते। वेबर ने जो आइडियल टाइप दिया है आज भी उसका एक एक पैमाना कसौटी पर कसा जाता है, और उसी कसौटी के आधार पर ये तय किया जाता है कि मैक्स वेबर ने जिस ब्यूरोक्रेसी की संकल्पना की थी मानसिक तौर पर, उस मानसिक तौर पर बनाई गई ब्यूरोक्रेसी से आज की ब्यूरोक्रेसी किस तरह से अलग है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अनडाउटेडली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और ख़ास तौर जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, तब ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप यही बनने जा रहे हो। इसलिए इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एलोबोरेट करूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि आप पढ़ने को तो 15 मिनट के अंदर पूरे ब्यूरोक्रेसी ख़त्म करा दी जाए आपको, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप कुछ सवाल यदि पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो आप निश्चित रूप से आप बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि पब्लिक एडमिशन जैसा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग होकर हो रही है ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक ब्यूरोक्रेट के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, तो मतलब हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हमने थ्योरेटिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को न केवल पढ़ा है, बल्कि उसकी उसको हमने कहीं ना कहीं अपनी एक ब्यूरोक्रेट के रूप में उसको अप्लाई किया है, अप्लाई करते हैं। और जो बातें इतने बड़े बड़े थिंकर कह के गए, जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, और अक्सर करके अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं, तो वो भी मैं आपसे कहीं ना कहीं शेयर करूँगा। तो केवल एक मतलब एक थ्योरेटिकल टीचिंग नहीं होगी, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मैं कहीं ना कहीं आपको देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे हम मैक्स वेबर को और ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे। और एक सवाल मैं आपको छोड़कर जाऊँगा जिसका जवाब मैक्स वेबर देने की कोशिश करता है, वो ये कि कोई व्यक्ति आदेश क्यों देता है और कुछ लोग उस आदेश को क्यों मानते हैं। भाई, किसी ने कहा और सामने वाले ने मान लिया, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी
जो उसका उद्भव है वो इसी सवाल से है कि कुछ लोग क्यों आदेश देते हैं और कुछ लोग क्यों उस आदेश को मान लेते हैं, उस आदेश को मानने के पीछे के क्या कारण होते हैं, और फिर उसका ब्यूरोक्रेसी से किस तरह से उसका उद्भव इससे शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। आशा करता हूं कि आप आज का वीडियो ये बहुत पसंद करेंगे और समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर इसको कीजिए, और अपने आप को हमेशा ये समझिए कि आप एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये तो हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे हमेशा से बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि आप जो चीज़ बनने जा रहे हो या आप हो, तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसकी एक टीचिंग देता है, एक लेसन देता है, ठीक है, आपको एक समझ देता है, सोच देता है, एक विचार देता है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।